भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट मैच का पहला दिन ऐसा लग रहा है कि पूरे तरीके से इंग्लैंड की टीम के नाम जा रहा है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पूरे तरीके से सेट नज़र आ रहे हैं और उन्होंने अभी अभी अपना अर्धशतक भी जड़ दिया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर जो रूट कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। तक रूट ने कोई भी रिस्क नहीं उठाया, डॉम सिबली के साथ एक अच्छी साझेदारी वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जो रूट ने टॉस जीता था और पहले यहाँ पर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम पूरे तरीके से तैयार होकर आई थी लेकिन शुरुआत काफ़ी अच्छी मिली इंग्लैंड की टीम को। यहाँ पर डॉम सिबली और रॉरी बर्न्स के बीच 63 रनों की शानदार साझेदारी हुई। इसके बाद रॉरी बर्न्स आउट हो गए और उसके बाद जल्दी ही लॉरेंस का विकेट भी टीम इंडिया को मिल गया। ऐसा लगा कि भारतीय टीम इंग्लैंड पर चढ़कर खेलेगी लेकिन उसके बाद जो रूट और डॉम सिबली ने दोनों तरफ से शानदार रन्स बटोरने शुरू किए और जो रूट ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 111 गेंदों में 51 नाबाद रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं डॉम सिबली 55 रन नाबाद बनाकर खेल रहे हैं। 189 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। वहीं आज ईशांत बुमराह, अश्विन, शहबाज नदीम और सुंदर जैसे गेंदबाजों का सामना जो रूट ने शानदार तरीके से किया। आपको बता दें कि जो रूट का ये 100वां टेस्ट मैच है और पहला टेस्ट मैच भी उन्होंने भारत में ही खेला था, जो डेब्यू उन्होंने किया था। उसके बाद 50वां टेस्ट मैच भी उन्होंने भारत में खेला, उसमें भी उन्होंने अच्छे रन्स बनाए थे और इस टेस्ट मैच में भी वो शानदार रन्स बना रहे हैं। भारतीय टीम के लिए दिक्कतें ये हैं कि इंग्लैंड की टीम का स्कोर 150 के पार पहुँच चुका है और अब तक सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं। पिच पर बिल्कुल भी जान नहीं है, ना ही पिच पर टर्न दिख रहा है और ना ही पिच पर बाउंस है। रिवर्स स्विंग भी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, प्लस भारतीय गेंदबाज भी पूरे तरीके से थके हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ये पिच जो है और ज़्यादा टूटेगी और ज़्यादा इसमें क्रैक्स आएंगे, जिसके बाद बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। पहले दिन विकेट काफ़ी अच्छा है और उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए जो रूट और उनकी टीम दिखाई दे रही है। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।